नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की, कि कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो कि अगले हफ्ते मार्केट को प्रभावित करेंगे, क्योंकि जून सीरीज की एक्सपायरी जो है वो आपको होती हुई दिखाई देगी। मंथली एक्सपायरी है और एक्सपायरी से पहले कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो है मार्केट को इम्पैक्ट करते हुए दिख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो कहने के ग्लोबल मार्केट से क्यूज जो है वो नेगेटिव है। अमेरिकी मार्केट को देखेंगे ऑलमोस्ट आधा से 1% तक की गिरावट के साथ बंद होते दिखाई दिए। यूरोपियन मार्केट्स का भी हाल उसी तरीके से था, आधे से 1% की गिरावट अमेरिकन मार्केट्स में भी थी। S&P 500 विक्स भी अगर आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1 से 1.5% तक उछलता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट्स है वो नेगेटिव साइड पे कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी में भी अगर हम देखें तो थर्सडे के हाई से अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं गिरावट देखने मिली। फॉलो अप सेलिंग जो थी वो थर्सडे को भी हुई, फिर फ्राइडे को भी होती हुई दिखाई दी। दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो कुछ ना कुछ कंसर्न जो थे कहीं ना कहीं मार्केट को वो देखने मिले। लेकिन इस बीच अगर हम हफ्ते के बीच की बात करें, हफ्ता खत्म होने के बाद सैटरडे संडे की, रूस में कहीं ना कहीं इंटरनल जो है आर्मी के बीच में विद्रोह देखने को मिला और वो सारी खबरें कल दिन भर छाई रही थी मार्केट्स के बाद ट्विटर पे आप देखें, चाहे कहीं सोशल मीडिया न्यूज चैनल में। हालांकि उस चीजों को अभी सॉल्व कर लिया गया है और बाकी सारी चीजें वहां पे अब मार्केट पे कल किस तरीके का रिएक्शन देखने मिलेगा वो चीज इंपॉर्टेंट होगी। हालांकि ये पॉजिटिव है कि वो सारी चीजें अब इम्पैक्ट शायद ना करती हुई दिखाई दे, क्योंकि वो सारी चीजों को सुलझा लिया गया है। लेकिन अगर अगली बात करें तो क्रूड ऑयल किस तरीके से रिएक्ट करेगा इन सारी खबरों के बाद, उस चीजों पे भी नजर रखनी होगी। रुपया किस तरीके से रिएक्ट करता हो दिख सकता है। लेकिन अगला जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो है FIS का डेटा। अगर आप FIS की देखेंगे, पिछले हफ्ते में लगभग 5 में से 4 दिन सेलिंग की है और 1 दिन बाइंग का नंबर, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो फ्लैट नंबर देखने को मिल रहा है FIS की तरफ से। लेकिन DIS की अगर हम देखें, 3 दिन बाइंग की है और 2 दिन यहाँ पे DIS की तरफ से सेलिंग का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया, तो DIS ने थोड़ा सपोर्ट दिया है। मंथली डेटा अगर आप देखें तो 6,888 करोड़ की बाइंग FIS की तरफ से इस महीने की गई है और DIS की तरफ से भी 6,022 करोड़ की बाइंग आती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो है बड़े प्लेयर्स वो मार्केट की तरफ बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमने मार्केट में देखा। हालांकि मार्केट में भी कंसोलिडेशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम निफ्टी में थोड़ा हाई छूते छूते रह गए, अदरवाइज निफ्टी में हाई लग जाता नया, लेकिन 2-3 पॉइंट से सही। तो अब देखना होगा क्या अगले हफ्ते निफ्टी एक नया हाई बनाता हुआ दिखाई देगा या फिर नहीं देगा, या फिर और करेक्शन जो है वो गहराता हुआ दिखाई देगा। तीसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें, अगले हफ्ते 3 बड़े IPO जो है वो आपको मार्केट में हिट करते हुए दिखाई देंगे। पहला IPO है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी का, जो कि 26 से 29 जून के बीच खुलता हुआ दिखाई देगा। 638 से 672 का प्राइस रेंज रखा गया, 567 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और 22 शेयरों के लिए आप मिनिमम बोली लगा सकते हैं। वहीं अगर हम देख रहे हैं साइंट DLM लिमिटेड का IPO 27 से 30 जून के बीच खुलता हुआ दिखाई देगा, 250 से 265 रुपए की प्राइस बैंड रखी गई है और 592 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, 56 शेयरों का लॉट है। वहीं PKH वेंचर लिमिटेड का IPO भी आता हुआ दिखाई देगा 30 जून से 4 जुलाई के बीच। इसके IPO प्राइस और IPO साइज की अभी घोषणा नहीं हुई है, इसका लॉट साइज क्या होगा इसकी भी अभी घोषणा नहीं हुई है। ये सारे IPO जो है NSE BSE पे लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम बात करें साइन DLM लिमिटेड के IPO या आइडिया फोर्स लिमिटेड के IPO की, तो इसका रिव्यू पॉजिटिव साइड पे ज्यादा जाता हुआ दिखाई देगा। ग्रे मार्केट के प्रीमियम भी जो है वो अच्छे इशारे कर रहे हैं अच्छे लिस्टिंग के, तो यहाँ पे आपको रिटेलर्स की तरफ से या फिर बड़े प्लेयर्स की तरफ से एक अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। तो अब देखना होगा कि 3 दिन बाद जब ये IPO अपने एंड में आएंगे तो किस तरीके का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है और उसके बाद इसकी किस तरीके से लिस्टिंग जो है वो होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगले ट्रिगर की बात करें तो निफ्टी के चार्ट्स पर अगर आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 18,560 18,600 एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बॉटम में 18,665 के आसपास जो है निफ्टी की क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है, तो देखना होगा कि क्या ये लेवल को इंपॉर्टेंट लेवल को सपोर्ट लेता है या फिर इसको तोड़ देता है मंडे के दिन पे। क्योंकि तो अगले हफ्ते अगर हम देख रहे हैं तो 1 दिन वेडनेसडे के दिन छुट्टी पड़ती हुई दिख रही थी, ट्रंकेटेड वीक है, एक्सपायरी से पहले सिर्फ 3 दिन मिलेंगे। तो एक्सपायरी से पहले किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा, क्या यहाँ पे पिछले हफ्ते जैसा कि लग रहा था कि फुल तेजी का माहौल देखने को मिल रहा था और लग रहा था कि शायद मार्केट नया हाई बना लेगा और कॉल राइटर्स जो है वो सारे ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन देख ऐसा बिल्कुल उलट देखने मिला। इसके अतिरिक्त पुट राइटर्स जो थे जिनकी फुल कॉन्फिडेंस थी कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, वो कहीं ना कहीं पिछले 1-2 दिन में ट्रैप होते हुए दिखाए। तो क्या अब अगला हफ्ता जो है कॉल राइटर्स के ट्रैप होने का, इसको हम समझेंगे ऑप्शन चेन के डेटा में। लेकिन अगर निफ्टी एक बार किसी भी कारण से 18,890 का लेवल जो है, जो कि इसका नया लाइफ टाइम हाई लग जाएगा जिस पॉइंट पे, तो अगर उसके पार निकलता है 18,890 18,900 के, तो फिर कहीं ना कहीं 19,000 का लेवल आपको आसानी से निफ्टी में देखने को मिलेगा। फ्रेश शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिलेगी उसके ऊपर में और बड़े प्लेयर्स की जो बाइंग है वो
भी कहीं ना कहीं आपको आती हुई दिखाई देगी। तो बहुत ही शानदार लेवल वो होते हुए दिख सकते हैं जिसकी हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन चेन के डेटा को यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन का डेटा कुछ अलग ही डेटा आपको प्रदर्शित करता हुआ दिख रहा है। हम क्लोज हुए 18,665 पे, लेकिन आपको 18,800 जो कि इन द मनी है वहां पे 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उसमें से 51,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट निकलता हुआ दिखाई देने के अनवाइंड होते दिखे, उसके बावजूद भी सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो है वो इन द मनी पुट साइड में आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का कॉन्फिडेंस अभी भी बना हुआ है कि शायद 18,800 के ऊपर फिर से निफ्टी निकलता हुआ दिख सकता है। दूसरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट का, वो आपका बना हुआ है 18,700 के पुट में, जो भी अभी इन द मनी है लगभग 30-40 पॉइंट से। और उसके बाद अगला जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना है वो है 18,500 के पुट पे, यहाँ पे 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 45,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो एक चीज यहाँ पे है कि पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी ज्यादा हिला नहीं है, वो अभी भी मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट में निचले लेवल पे रिकवरी देखने मिल सकती है और वहां पे आपको एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए अगर मार्केट में किसी प्रकार करेक्शन आता है तो। लेकिन कॉल राइटर्स की अगर हम बात करें तो 18,700 के लेवल पे आपको एक हैवी राइटिंग जो है वो देखने मिली है फ्राइडे के सेशन में। 1,69,000 कॉन्ट्रैक्ट का जो है ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट यहाँ बना हुआ है, जिसमें से 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे के दिन ही यहाँ पे राइट होते हुए दिखाई देते हैं। सबसे कमजोर शॉर्ट्स होंगे क्योंकि ये आपको आखिरी घंटे के आसपास में कहीं ना कहीं राइट होते हुए दिखाई दे आखिरी दिन में। तो सेलिंग के आसपास अगर ये 18,700 के लेवल के ऊपर मार्केट चलना चालू करता है तो सबसे पहले इन कॉल राइटर्स की आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 18,800 के कॉल में 2,86,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का, 77,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नए जुड़ते हुए दिखाई दिए थे आपको फ्राइडे सेशन में। तो 18,700-18,800 एक रेंज रेजिस्टेंस हो सकता है। 18,800 के ऊपर निकलने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं फ्रेश मूव आने की संभावना आप मान सकते हैं। 18,900 के कॉल पे भी लगभग आप देख रहे हैं 1,78,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट 18,900 के कॉल पे बना है, और 19,000 का कॉल पे भी आप देखेंगे तो 2,00,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना है। तो कहीं ना कहीं अगला हफ्ता जो है वो एक रेंज में रह सकता है, आपको रेंज थोड़ी वाइड हो सकती है क्योंकि एक्सपायरी है, वॉलिटिलिटी जो है लौट के आ सकती है। तो वॉलिटिलिटी की भी अगर हम बात करें इंडिया विक्स की तो 11 के ऊपर ही कामकाज करें, हालांकि अभी भी 12-11.5 के नीचे ही चल रहा है। लेकिन अगर वोलेटिलिटी थोड़ी भी बढ़ती है तो प्रीमियम में आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि एक्सपायरी हफ्ते में एक दिन छुट्टी है तो इसके कारण प्रीमियम टाइम प्रीमियम जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी, तो आपको प्रीमियम में इरोडनेस भी जल्दी देखने मिल सकती है। तो 18,500 से 19,000 के बीच की रेंज आप मान के चल सकते हैं अगले हफ्ते, जिसमें मार्केट एक्सपायर होता हुआ किसी भी रेंज में दिख सकता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइड में एक्सपायर होता है नए हाइस लगा के तो एक ज्यादा पॉजिटिव खबर होगी, जुलाई सीरीज के लिए हम पॉजिटिव जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से अगले हफ्ते रिएक्ट करता है। अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो डेफिनेटली उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर किसी प्रकार की पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे आने को मिलती है या ऐसा थोड़ा भी ऐसा न्यूज आती है जिससे मार्केट का सेंटिमेंट बदल सकता है तो फिर आपको मार्केट में एक अच्छे लेवल ऊपर की तरफ देखने मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जब पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं के सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।